तो फिर से आज फुल फॉर्म में हमें नाइट्रोजन का मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। तो सात इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो प्यार से हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा तो ये 3 ले लेगा इसके इलेक्ट्रॉन, 5 और 3 8 हो गए, नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा कंप्लीट कर लिया। इफ यू टॉकिंग अबाउट अनदर एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 5 इसके पास पहले से, तो 8 8 दोनों के हो गए, दोनों ने बराबर शेयरिंग कर ली। और यहाँ पर बॉन्ड कैसा बनेगा, तो हम ब्याज बॉन्ड बनाएंगे, एक पेयर ऑफ शेयरिंग तो एक बॉन्ड, दो पेयर ऑफ शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ शेयरिंग तो ट्रिपल बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन का भी ऐसे ही है, ऑक्सीजन के एक एटम दो एटम, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखो ध्यान से, ये बन गया हमारा किसका, ऑक्सीजन का, और ये बन गया, ठीक है बन गया, और इनके बीच में बॉन्ड कितना आएगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर करने का, एक जोड़ा है ना, दो लोग का मतलब जोड़ा ही होता है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन आ जाएगी, मतलब एक आबंध आ जाएगा, जब दूसरा शेयर होगा तो दूसरा आबंध आ गया, दो ही हो रहे हैं ना यहाँ पे, देखो आमने सामने दो ही जोड़े बन रहे हैं, दो आबंध है, आबंध का ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 आबंध है, यहाँ पर 2 आबंध है। अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में 2 ही आबंध होंगे, एक ही होगा, हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ सामने वाला एक एटम, तो ये इस पे हमला करेगा, सॉरी हमला क्या करेगा, जब इससे ये ठीक है इसको ले लेगा, ठीक है अपने पास बुला लेगा और इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आबंध एक होगा, है ना, समझ में आ गया ना। ये बहुत आइडियल सिनेरियो है, ऐसा प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, इसके लिए हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें बहुत अच्छे से और भी पढ़ना पड़ेगा, या हमारे पास पूरे गैजेट्स होने तभी हम इतनी अच्छे से और अच्छे से इसको समझ पाएंगे।